गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट्स टूडेज वी स्टार्ट मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, उस तो पहले आप की सी इंडियन इकोनॉमिक, वो तो बुक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सारी बुक्स से उन रिविजन कर लियो क्योंकि तो हम असं एग्जाम लवेंगे अक्टूबर के मे बी, तो उदो फिर जिन्ना भी सिलेबस मैं करवा चुकी हाँ वो सारा ही आएगा। तो हूँ आप कर रहे हैं अपनी द्वारा तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिंदे आप बैंकिंग चैप्टर कर लिया सारा अपना, तो फॉरन एक्सचेंज रेट आ गया से। तो हूँ आप मैक्रो इकोनॉमिक एंड सम बेसिक कंसैप्ट करांगे, जाने कि आप नैशनल इनकम स्टार्ट कर जा रहे हैं। हूँ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा जहा ज़्यादा डराऊंगी नहीं, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है। ठीक है, समझन वाला है, मतलब जिन्होंने एक दिमाग से बैठ गया बस बैठ गया, याद कुछ भी नहीं करना इस लैसन के, याद करने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ समझन वाला ही है। ठीक है, चलो क्लियर स्टार्ट करिए। अज सम बेसिक कंसैप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जो कि सबनों पता भी होना चाहिए वे। ठीक है, इन होंगे कि आप क्लासेस ऑफलाइन लगती हैं, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके करते तो ईजी से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन होंगे ने जो ताे तो पूछने होंगे ने, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन तुम्हें आते ही होने इन, क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स वाले ने उन्होंने अकाउंट बिजनेस स्टडी के किया ही हो सारा कुछ। हूँ पहला क्वेश्चन तो बेसिक कंसैप्ट आप कर रहे हैं, वट इज़ अ गुड, गुड की है मतलब वस्तु। ठीक है, की है गुड, एक तो आप गुड वैसे किसी को दिने है ना, अच्छा काम जो किया किसी को एप्रीशिएट करने लिए, उस गुड की गल नहीं कर रही है, एक थिंग एक वस्तु की गल कर रही है मैं। ठीक है, जिन्होंने आप देख सकते हैं छू सकते हैं, गुड ए गुड इज़ एनी थिंग, हरेक चीज़ एक वस्तु है विच हैज़ सम इकनोमिक वैल्यू, जिंदी इकनोमिक वैल्यू मतलब जिन्हों जिंदी कोई ना कोई वैल्यू है, जिमें कॉपी पेन टॉफी पेंसिल सब की वैल्यू है ना, इकनोमिक वैल्यू है जिंदी, एंड इज़ कैपेबल ऑफ सैटिस्फाई, तो जिंदी अंदर एक कैपेबिलिटी है कान की सैटिस्फाई कर ह्यूमन वॉन्ट्स में। आप कोई भी थिंग्स वस्तु क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डिजायर है, वह अपने जरूरतों को सैटिस्फाई करती है, वो हर एक चीज़ गुड है, उस हर एक चीज़ को असं वस्तु कहेंगे थिंग कहेंगे, जिंदी कोई ना कोई एक इकनोमिक वैल्यू है, चाहे 50 पैसे है, चाहे 1 रुपया, चाहे 10,000, एनीथिंग एल्स, जिंदी कोई ना कोई इकनोमिक वैल्यू है। ठीक है, जिन्हों असं परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो जिंद अंदर पावर है ह्यूमन वॉन्ट्स नू सैटिस्फाई करन दी। फॉर एग्जाम्पल दसे हुए तो सैलफोन, स्कूटर, शर्ट, ब्रैड, बुक, एक्सेट्रा, जरूर नहीं तुम यही लेने एग्जाम्पल लेने, किसी भी वस्तु के नाम कोई भी गुड लिख सकते हो। ठीक है, जिमें दस तुम जो कोई भी वस्तु लै सकते हो। चलो अगे आ गए, जोड़े गुड्स होंगे ने यह दो तरह दुनिया ने, एक होंगे कंजम्पशन गुड्स, ठीक है, एक होंगे ने कैपिटल गुड्स। आप जिमें जिमें चलो पढ़ते जावे उवें अपना आता जाएगा। चलो कंजम्पशन गुड्स पढ़ते हैं पहला, जां कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, कि कंज्यूमर गुड्स कड़िया होंगे ने, प्रोड्यूसर गुड्स होंगे ने, ठीक है, कैपिटल गुड्स होंगे ने, इंटरमीडिएट गुड्स होंगे ने, बहुत तरह के गुड्स होंगे ने, अपन नाल दी नाल पढ़ते जावे तो क्लीयर होता जाएगा। चलो पहला आप पढ़ते हैं कंजम्पशन गुड्स की होंगे ने और कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर सबनों पता ही है, कंज्यूमर किनू बोलते हैं, अपनों जड़े वस्तुओं को खरीदते हैं। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन का मतलब ही उही हो गया, कंजम्पशन मतलब गुड्स को कंज्यूम करना, गुड्स को यूज़ करना फॉर अवर वॉन्ट्स टू सैटिस्फाई, अपने वॉन्ट्स को सैटिस्फाई करने के लिए गुड्स को खरीदना, उन्हें कंज्यूम करना, उन्हें यूज़ करना। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स दोज सैटिस्फाई कंज्यूमर वॉन्ट्स डायरेक्टली, कंजम्पशन गुड्स कह लो चाहे कंज्यूमर गुड्स कह लो, वह गुड्स होंगे ने जो ह्यूमन वॉन्ट्स को की कर दिया ने, सैटिस्फाई कर दिया ने। कंज्यूमर गुड्स आर यूज बाय कंज्यूमर एज फाइनल गुड्स फॉर सैटिस्फाई द वॉन्ट्स, लेकिन याद रखना जो कंज्यूमर गुड्स होंगे ने वह फाइनल गुड्स होंगे ने, दो तरह के गुड्स होंगे ने, एक इंटरमीडिएट गुड्स होंगे ने, एक फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जिन्होंने असं होर चीज़ा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जाने कि असं यूज़ नहीं कर रहे, कंज्यूमर गुड्स के अंडर नहीं आदि, मतलब सपोज ये आटा है, आटा की है जे तो आप डायरैक्ट उनकी रोटी बना के खा ली तो वह कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी, लेकिन जे आप आटे तो क्या उन्हें बेकरी वाले ने उनके बिस्किट वगैरह बनाए फिर गाँव में सेल किया तो वह आटा की बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। जे मिलक नूं आप डायरैक्ट पी रहे हैं तो की हो जाएगा, कंजम्पशन कंज्यूमर गुड्स हो जाएगी, क्योंकि वह फाइनल गुड्स हो जाएगी। तो मिलक नूं जे आप डायरैक्ट पी रहे हैं तो वह कड़ी गुड्स हो जाएगी, कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी, कंज्यूमर गुड्स। लेकिन जे उही जिहड़ा मिलक है, ठीक है, एक हलवाई है मिठाई बनाने वाला है, वह दुध की मिठाई बना के फिर उन्होंने पुंदू सेल कर रहा है तो वह मिलक की हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। ठीक है, हरेक एक गुड की होंगी है वो इंटरमीडिएट गुड्स भी होंगी है, फाइनल गुड्स भी होंगी है। जे तो आप फाइनल गुड्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं फिर तो कंज्यूमर गुड्स बन जाएगी, कंजम्पशन गुड्स बन जाएगी। लेकिन जे असं रॉ मटीरियल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कह लो चाहे रॉ मटीरियल कह लो, जे असं रॉ मटीरियल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं फिर वो की बन जाएगी अपनी अपनी कैपिटल गुड्स बन जाएगी। ठीक है, उवें आ जाएगा। तो हुण हो गया कंजम्पशन गुड्स कड़ियाँ आ जाएगियाँ, कंजम्पशन गुड्स
आर दो आर यूज बाई कंज्यूमर जो कंज्यूमर द्वारा यूज़ की जाते हैं एज फाइनल गुड्स के तौर पर ठीक है। दीज आर नॉट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन जिंद तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी हूँ उन्होंने अपना कंज्यूमर ने यूज़ कर लिया उन्होंने फाइनल गुड्स के तौर पर उनके तो अगे कोई प्रोडक्शन नहीं होनी जो उनके तो अगे कोई प्रोडक्शन हो रही है जिमें वीट तो बिस्किट बना रहे हैं आप केक बना रहे हैं जो एनीथिंग एज जो भी आटे तो मतलब कि फ्लोर तो आइटम्स बनदिया ने फिर तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो जाएगियाँ गुड्स हो जाएगियाँ अदरवाइज वो क्यों हो जाएगियाँ वो की हो जाएगी अपन कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी जी मैंने एग्जाम्पल दी है टीवी फ्रिज होम कार ब्रैड मिलक चेयर एक्सेट्रा ठीक है। तो ईवन सर्विस ऑफ ए डॉक्टर ट्यूटर्स आर इट एग्जाम्पल्स क्यों क्योंकि जेकर डॉक्टर एंड ट्यूटर्स कोई सर्विस दे रहा है अगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज नोन एज फाइनल कंजम्पशन तो जरा यह खर्चा होएगा जिमें सपोज आप मिलक लैके आए हैं घर खरीदया तो कड़ा कंजम्पशन हो जाएगा फाइनल कंजम्पशन हो जाएगा ठीक है। तो हाउस होल्ड कंज्यूमर सैक्टर फ्रॉम द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर अगे अदर सैक्टर्स विच कॉन्टीट्यूट दिस एक्सपेंडिचर एक तो हाउस होल्ड हो गया जो कि कंज्यूमर गुड्स में यूज़ करता है ठीक है आप फाइनल तौर पर यूज़ करते हैं एक कड़ा हो जाएगा गवर्नमेंट दूसरा कड़ा आ जाएगा नॉन गवर्नमेंट्स ठीक है। गवर्नमेंट भी करती है देखो गवर्नमेंट किवें करती है गवर्नमेंट की करती है गरीब बच्चों जो क्लॉथ्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है मील वगैरह भोजन वगैरह डिवाइड करती है ना गवर्नमेंट तो सर्विस दिंदी है ना काफ़ी तो वह की आ जाएगा वह भी कंजम्पशन गुड्स आ जाएगियाँ। तो इस तुम इलावा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन आ जाएगा तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन आ जाएगा वैन दे परचेज मटीरियल टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड टू द नीडी जो कि है नीडी वर्सन वास्ते हम गवर्नमेंट के अलावा दूजे भी तो सोशल सर्विस करते हैं ना तो वह भी सारे की हो जाएंगे कंजम्पशन गुड्स आ जाएंगे। हैंस ऑल दीज गुड्स आर नोन एज फाइनल गुड्स जोड़े गुड्स तो आप बस तुम एक निकी जी गल याद कर लो कि जिन्ना गुड्स तो गाह प्रोडक्शन नहीं होनी बस उन्होंने जोड़ी चीज़ जिमें हैगी है आप एज इट उमें ही यूज़ कर लेंगे तो की हो जाएगी थोड़ी कंजम्पशन गुड्स हो जाएगी फाइनल गुड्स हो जाएगी फाइनल गुड्स कह लो कंजम्पशन गुड्स कह लो क्लीयर। लेकिन जे आप उस चीज़ तो कोई प्रोड्यूसर गा कोई चीज़ बना के गाह सेल कर रहा है तो वह की हो जाएगी थोड़ी प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगी ठीक है। अगे कैटागरी ऑफ कंजम्पशन गुड्स गुड्स या कई कैटागरीज होंगे ने कैटागरीज मतलब कई तरह दुनिया ने ड्यूरेबल गुड्स सैमी ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विस नाम तो क्लीयर हो रहा है। ड्यूरेबल गुड्स जिन्हें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी है जो कि टिकाऊ होंगे ने जिमें कि टीवी कार फ्रिज सैमी ड्यूरेबल्स मतलब जिन्हें मतलब कि जी ड्यूरेबिलिटी है वह थोड़ी जी घट होंगी है जिमें क्लॉथ शूज़ वो अपने को रेंदे तो थोड़े टाइम लिए लेकिन थोड़े टाइम तो बहुत छेती खराब हो जाते हैं है ना। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिन्हें मतलब कि ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होंगी एक या दो दिन मिलक फ्रूट ब्रैड एक्सेट्रा उस तो इलावा सर्विस आ जाएगियाँ सर्विस आर आलसो सोल्ड एंड परचेज लाइक अदर गुड्स देयर आर नॉन मटीरियल गुड्स दीज सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वॉट लाइक सर्विस ऑफ ए डॉक्टर्स ऑफ आर ट्यूटर्स ऑफ ए लॉयर एंड एग्जाम्पल। इस तो अलावा यह भी तो कंजम्पशन गुड्स आ गए ना इन्हें की आ जाएगा सर्विस गुड्स एंड सर्विस आप दोवें चीज़ें ही कंज्यूम करते हैं गुड्स भी तो सर्विस भी गुड्स तो हो गया जिन्होंने आप देख सकते हैं छू सकते हैं सर्विस यानी कि लाइक है डॉक्टर अपने को आप बीमार है डॉक्टर को बोलेंगे तो सर्विस है आप एक टीचर तो रीड पढ़ रहे हैं टीचिंग कर रहे हैं तो की हो जाएगा वो भी सर्विस हो जाएगी तो एक लॉयर की फीस क्लीयर। अगे हूँ आ गया थोड़ा कैपिटल गुड्स आप पहला किया कंज्यूमर गुड्स जिन्हों कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया एज ए फाइनल गुड्स की फॉर्म के जिंद तो गांह कोई भी प्रोडक्शन नहीं होनी हूँ अगे पढ़ रहे हैं कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स कड़ियाँ आ जाएंगी उल्ट हो जाएगा कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विस जो कि हैल्प करता वै दूजिया गुड एंड सर्विस नू प्रोड्यूस करन दे विच कैपिटल गुड्स की जी वैल्यू होंगी है वो की है जड़ी अपनी कंज्यूमर गुड्स है उन्होंने नालों ज़्यादा होंगी है। दीज आर फिक्सड एसेट ऑफ द फाइन फॉर्म दीज आर यूज रिपीटली फॉर लोंगर टाइम ये काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ की जाती है। स्मॉल वैल्यू थिंग्स लाइक फाइल स्क्रू ड्राइवर आर लास्ट फोर ईयरस बट वी कांट पुट दैम इन द कैटागरी ऑफ कैपिटल गुड्स पर इन्हों कैटा मतलब कि कैप जोड़े है कैपिटल गुड्स की कैटागरी के नहीं रख सकते इन्हों की है प्रोड्यूसर गुड्स भी बोलते हैं। इन्ह के फीचर्स की ने कैपिटल गुड्स की वैल्यू की है हायर होंगी है इन द टर्म ऑफ मनी एंड लास्ट ऑफ लोंगर पीरियड दी वैल्यू गोज इन डिक्रीजिंग इन द वैल्यू जिमें जिमें अपन यूज़ करते जावे वो की है घटती जाती है क्योंकि वो की है उन्होंने डेप्रीशिएट हो जाता घस जाती है चीज़ा ठीक है। जिमें मशीन लगातार यूज़ करते जावे है तो कैपिटल गुड्स क्योंकि इन्हें तो होर चीज़ा प्रोड्यूस हो रही ने ठीक है। जिमें हम देखो किमें हो रही ने तुम एक एग्जाम्पल होर दस दी मैं हाँ
वेट करो। हाँ जी, कंज्यूमर गुड्स जिवें हुण ओवन है, है ना, जेकर ओवन नूं आपां घर दे विच लै के आए हैं फिर तो फाइनल गुड्स बन गई, पर जे उही ओवन किसी रेस्टोरेंट दे विच है ते रेस्टोरेंट दे विच तो ओवन की है गां होर खाना बनाने लई काम करेगा ना, जिहड़े उत्थे मतलब कस्टमर जाते हैं रेस्टोरेंट तो कैपिटल गुड्स बन जाएगी। ऐसे तरह जे एक कार है आपां आपदी परसनल खरीदी है तो की हो जाएगी फाइनल गुड्स, पर जे उही कार एक टैक्स के तौर पर काम कर रही है फिर की बन जाएगी कैपिटल गुड्स। इस तरह जिवें कंप्यूटर है जे आप लैपटॉप है आप घर लैके आए हैं फिर तो फाइनल गुड्स बन गई, पर जे यही किसी ऑफिस वगैरह के होएगा फिर वह की बन जाएगी कैपिटल गुड्स। इस तरह हरेक चीज़ जरूरी नहीं कि वह फाइनल गुड्स ही होएगी ज इंटरमीडिएट गुड्स ही होएगी, आप उनते डिपेंड करता है कि आप यूज़ किमें कर रहे हैं, जे तो आप हाउस होल्ड यूज़ कर रहे हैं अपने घर ले आए फिर तो फाइनल गुड्स बन जाएगी, जेकर किसी ऑफिस वगैरह के किसी चीज़ में प्रोड्यूस कर काम आ रही है कैपिटल जनरेट कर काम आ रही है फिर वह कैपिटल गुड्स बन जाएगी। ठीक है, चलो अगे की आ गया तुहाडा हुण दी आप पढ़िया सी कि जिहड़ी दी वैल्यू है डिक्रीज हुंदी जांदी है क्योंकि जिवें जिवें आप किसी चीज़ नूं यूज़ करते जावांगे टीयर एंड फेयर मतलब कि डैप्रीशिएट होएगा ना उनकी वैल्यूज घट जाती है, लॉस ऑफ दियर वैल्यूज नोन एज डैप्रीशिएट, जिंदी वैल्यू जो घट जाती है उन्होंने डैप्रीशिएट बोलते हैं। डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स ड्राइव डिमांड बिकॉज दीज आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, कैपिटल गुड्स की डिमांड नूं की हुंदी है क्योंकि इनकी मतलब कि यह होर चीज़ों प्रोड्यूस करन दे काम आती है। दे हैव टू रिप्लेस आफ्टर सम पीरियड्स, कुछ टाइम तो बाद अपने रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि काफ़ी डैप्रीशिएट हो जाती है उनकी प्रोडक्शन घट पैनी शुरू हो जाती है अपन कोस्ट वध पैनी शुरू हो जाती है तो कुछ टाइम तो बाद अपन की कर दें रिप्लेस कर दें। क्लीयर, अगे आ गया कैपिटल गुड्स से कंजम्पशन गुड्स डिफरेंसिस क्लीयर कर सकते हो आराम नाल। कंजम्पशन गुड्स की है ये ह्यूमन गुड्स में डायरैक्टली सैटिस्फाई करते हैं, कैपिटल गुड्स की है इनडायरैक्टली। ठीक है, जिहड़ी कंजम्पशन गुड्स ने यह फाइनल गुड्स ने लेकिन कैपिटल गुड्स की होंदे ने इंटरमीडिएट कंजम्पशन ने गुड्स ने। मोस्टली कंजम्पशन गुड्स आर यूज्ड वंस ओनली, कंजम्पशन गुड्स नूं आपां सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं, कैपिटल गुड्स नूं आपां वार बार यूज़ करते रहने हैं। ठीक है, हुण वार बार यूज़ करी आवांगे जिवें जिवें हुण कार घर दे विच आ गई तां आपां ही यूज़ करनी है लेकिन जे टैक्स तौर ते यूज़ करनी तो बार बार यूज़ हो रही है। सच गुड्स डू नॉट हैल्प टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, जिहड़ी हैगी है कंजम्पशन गुड्स और प्रोडक्ट होर प्रोडक्शन करन दे लई की है काम नहीं करती उन्हूं प्रमोट नहीं करती लेकिन कैपिटल गुड्स होर गुड्स नूं प्रोड्यूस करन दे विच की है हैल्प करती ने। क्लीयर, चलो अगे तुहाडा लास्ट टॉपिक आपां करदे हां फाइनल गुड्स। हाँ जी, फाइनल गुड्स ये हुण दो तरह दीआं हुंदीआं ने, पहले भी तुहानूं दस्सिया सी कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल गुड्स नूं आपां की आ हुण फाइनल गुड्स आर रेडी फॉर कंजम्पशन आफ्टर क्रॉसिंग बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स जदों हुण तैयार हो जाती है तो हुण उह तैयार हो गई है कि आपां उहनूं यूज़ कर लीए, ठीक है, कंज्यूम कर लीए। दे आर नॉट यूज एज इंटरमीडिएट गुड्स, उन्होंने आप इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जिवें टीवी ब्रैड बिल्डिंग मशीनरी कार एक्सेट्रा, ये दो तरह की होंगी है कंज्यूमर गुड्स। दीज आर दोज फाइनल गुड्स विच आर ब्रॉट बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर ले आने सेल परचेज कर ली है फॉर अवर मतलब कि वॉन्ट्स टू सैटिस्फाई, जिमें फ्रूट ब्रैड टीवी कार सर्विस ओवर डॉक्टर ओवर ट्यूटर फीस। प्रोड्यूसर गुड्स करिया आ गई, दीज आर दोज फाइनल गुड्स जो कि फाइनल गुड्स ने विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन बाय द फर्म, जो कि फर्म द्वारा यूज़ किए जाएंगे होर प्रोडक्शन करन दे लई, जिवें मशीन बिल्डिंग कार यूज एज टैक्सी। ठीक है तो भी फाइनल गुड्स ना, हुण कार तो कुछ होर तो बन नहीं सकता, पर यह प्रोड्यूसर गुड्स है कि कंज्यूमर गुड्स है ये डिपेंड करती है उनकी नेचर पर आपां नूं किवें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, द सच से कंज्यूमर स्पेंड मनी और फाइनल गुड्स कंजम्पशन ते मशीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, हुण एक्सपेंडिचर नूं फाइनल गुड्स नूं किवें कढांगे आपां, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस कर देंगे आपां इनवैसटमेंट एक्सपेंडिचर, जो दोनों प्लस कर देंगे तो अपना आ जाऊगा कि आप फाइनल गुड्स से कितना पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं खर्च कर रहे हैं, जो आप कंजम्पशन ने एक्सपेंडिचर किया प्लस उन्हें कितना इनवैसटमेंट किया तो यह आ जाएगा तुहाडा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है, क्लीयर, इन्ना ही टॉपिक करांगे अजे, ये निक्के निक्के क्वेश्चन ने, यह लोंग क्वेश्चन नहीं बनता, ये मोस्टली पेपर के टू मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के। ठीक है, कल आप करांगे इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स के डिफरेंसिस स्टॉक एंड फ्लो, इस लैसन में जो क्वेश्चन आना है कि आएगा स्टॉक एंड फ्लो के डिफरेंसिस। क्लीयर, जे किसी कोई डाउट हो मैं मैसेज करके पूछ सकते हो, तो होर एक मेरे चैनल सबसक्राइब करना ना भूलना। ठीक है।